कांग्रेस मम्मन को है? मम्मन को देंगे भाई, मम्मन का तो टिकट कट रहा लोग कहते जब भी जिताऊंगा हमने भी जिताऊंगा सवाल कैसे भाई और आशे ही लाना कल दिया सामू वो ठीक यूपी से बूचर खाना ला के ही लगा दिया हमारा बालक हमारा बच्चा परेशान है बेटो दल। अच्छा आप खुश नहीं है आप? नहीं हम क्या करें बूचर खाना इनको। अच्छा। हमने क्या लेना लेना सारा हमारे का विकास हो रही आप मम्मन को ही करेंगे और मम्मन को ही जिताएंगे। हम तो मम्मन को करेंगे भाई, अगर उसका टिकट कट गया तो कट जाएगा कट जाएगा फिर निर्दलीय लड़ेंगे वो। हाँ भाई लड़ेगा तो जब भी हम वायु देंगे। अच्छा हाँ टिकट मिले चाहे मत मिले मत मिले हमने कहा ले रोटी कर वोट मम्मन को देंगे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, मैं अनीस फजरुद्दीन और आप देख रहे हैं राइट इंडियन न्यूज। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है फिरोजपुर झिरका विधानसभा में शहर में, जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं और नौजवान साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस बार फिरोजपुर विधानसभा से वो किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? पहलू। कहाँ से हो जी? कामेंडा। तो किसको वोट देंगे इस बार? हमारा सारा गांव मम्मन देगो। मम्मन को ही क्यों, और भी तो नेता यहाँ पर अब है जो है हमारी अपनी रुचि है, अब अपनी वोटर का मालिक। क्या क्या विकास करा है मम्मन ने यहाँ पर? मम्मन बेचारो कहा विकास करता, आप बेचारो पोजिशन पढ़ो कहा विकास करता हूँ। अच्छा वो विकास करते काय को भाई वापस आपका घास हो दो मम्मन पे विधायक बन गो बना दियो अल्लाह वाली इज्जत दे दी। अच्छा जी भाई भाई हमारा तो फिर भी यही इरादा हम वाली देंगे भाई, हम तो अपना इरादा की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी लंबी मांगे हैं जैसे खूनी रोड है, इस पे हर दूसरे के दिन एक्सीडेंट होते हैं, मेवात यूनिवर्सिटी है, और भी मुद्दे हैं यहाँ के, वो चीज हमें अभी भी नहीं मिली है ना। हम लोग तो मिलसा भी ना हुए। क्यों हम लोग क्यों नहीं मिलेंगे? अरे हम लोग का मिलेंगे राज बीजेपी को, अब 5-6 जिला इनने ले लिया जिनमें सबन में इनने 2-2 हजार रूपए भेज दिया गरीबन लू, हमारा जिला आज तक बिना भेजे तो काट के फेंक दो जिलो, ये हमसे वोट मांगने का हकदार ही ना बीजेपी वाला। बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं हमने यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दिया दिल्ली बात के लिए, यहाँ पर युवाओं के लिए इंडियन नादी कंपनी आएंगी यहाँ पर, इंडियन नादी हुई दिया का देने वाला तो रही ये कौन खाना तो दे दिया इसने दिया बूचर खाना अन्न फाड़ के ला हूँ सुबह सुबह यूपी से बूचर खाना ला के ही लगा दिया हमारा बालक हमारे बच्चा परेशान है बेटो दल। अच्छा आप खुश नहीं हैं आप? नहीं हम क्या करें बूचर खाना इनको। अच्छा। हमने क्या लेना लेना सारा हमारे का विकास हो रहा है। आप क्या चाहते हो फिर भाई? हम तो ये चाहते जैसे हमारा इलाका पहले हो अमन सु, ये बूचर खाना ही जो खत्म हो बूचर खाना खत्म कर देना चाहिए, और हमारा जो जिलो है ये हमारा जिलो भी आना चाहिए वहाँ वहाँ में गरीबी में गरीबी में तो है ही यूँ वहाँ में आना चाहिए, जिन्हें 6-7 जिला लिया उनमें आना चाहिए यू हमारे जिलों में लेना चाहिए। अगर ये वोट मांगा तो किसको वोट करेंगे इस बार? हम तो मम्मन को करेंगे भाई, अगर उसका टिकट कट गया तो कट जाएगा थोड़ा कट जाएगा फिर निर्दलीय लड़ेंगे वो। हाँ भाई लड़ेगा तो जब भी हम वायु देंगे। अच्छा हाँ भी। टिकट मिले चाहे मत मिले मत मिले हमने कहा ले रोटी कर वोट मम्मन को देंगे। हाँ जी और भी साथ हैं इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अता मोहम्मद है। कहाँ से हो? सिद्धरावट से। थोड़ा सा तेज बोलो। सिद्धरावट से। किसको वोट करेंगे इस बार? मम्मन को। मम्मन को ऐसे क्या है मम्मन जो मम्मन को वोट करेंगे? मम्मन में खासियत बहुत खासियत है। क्या 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 विकास कराया आपके यहाँ? विकास कहाँ करेगो बेचारा तो बाकी है ही ना सरकार ही ना तो कहाँ करेगो। हाँ तो हमारे साथ नौजवान साथी इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मुस्तकीम। मुस्तकीम किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? मम्मन को। मम्मन को ही क्यों, और भी तो है यहाँ पर नेता? मम्मन को ही करेंगे और मम्मन को ही जिताएंगे हम। मम्मन का ही मम्मन ही चले वो ही। अच्छा और किसी को नहीं? ना लोग तो कह रहे हैं उसका अगर टिकट भी नहीं मिलेगा तब भी मम्मन ही चले वो। अच्छा निर्दलीय भी? हाँ टिकट मिले चाहे मत मिले? मत मिले मम्मन के वोट करेंगे। हाँ मेवात में अभी तो हमारे मेवात में विकास नहीं हुआ, मेवात यूनिवर्सिटी नहीं, खूनी रोड है, इस पर रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, कितनी माँ बहने इससे चली गई, कितने माओ के बच्चे यहाँ से चले गए इस एक्सीडेंट में, ये नहीं बन पाया। आने वाला काम ये सब काम होएगा। अच्छा आने वाले समय में सब काम होएगा, अगर वहाँ की सरकार आएगी तो सारा विकास करेगा वो। अच्छा ना आएगी तो भाई फिर देखी जाएगी। अच्छा हाँ तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं बुजुर्ग, उनसे बातचीत करेंगे। तो आप किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? कांग्रेस मम्मन को है? मम्मन को देंगे भाई, मम्मन का तो टिकट कट रहा लोग कहते जब भी जिताऊंगा हमने भी जिताऊंगा सवाल कैसे। हाँ भाई और आशे ही लाना कल दिया सामू वो ठीक मम्मन को देश ही ना। अच्छा ना ऐसे कहा देखो, अरे मीडिया फेल कर देगा सुबह मम्मन मम्मन वोट देंगे कल देश ही ना देश ही ना टिकट दबले जब जीतांगा हम। अच्छा हाँ ये पक्की बात, निर्दलीय लड़ेगा तब भी तब भी
पार्टी से कोई लेना देना ना, नहीं। अगर टिकट कटे जब भी हम वाल वोट देंगे जिताऊंगा। अच्छा हमारे पिताजी मत करवाओ। अच्छा तो आप बताइए भाई, मम्मन को ही देंगे भाई, मम्मन को ही देंगे वोट। मम्मन को हाँ, वहाँ की सरकार आएगी जब फोर लाइन करवाएगा यहाँ। तो अब भी तो विपक्ष में थे वो, मुद्दे को उठाया उसने। अरे हूँ मांग करी नापली माने, हरी चीज मांगे, बता कौन चीज मांगी है। वहाँ पे मांगी किना मांगी माने, भूते जब आज भाई संसद में। अच्छा हाँ, कोई चीज बाकी मांगी हुआ तो। अच्छा कैसे बात ऐसा करा मत करो, मम्मन लू वोट दिया कुछ नहीं करा। अच्छा जी, जब वो हुड्डा की सरकार ही ना, जब वो एमएलए ना हो, जब एक दो बालक लगा दिया, अब काम कर दिया ना, कहा कर सके अब तो एमएलए। आप बताओ जी, क्या नाम है जी आपका? अब्दुल करीम है जी मेरा नाम। से हो जी? सिद्धरावट। तो किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? हम जो कांग्रेस का टिकट मिलेगा, कांग्रेस के लिए जो है वोट देंगे। हमारे 10 साल जो बीजेपी सरकार रही, उसने कोई काम नहीं किया है हम आज जिले में। तो बीजेपी से नाराज हैं आप? बिल्कुल नाराज है। हमारा रोड जो खूनी रोड है, इसको भी नहीं बना है। अच्छा हाँ, कैंपी रोड बना कांग्रेस सरकार में। किसको टिकट मिलेगा आपको भाई? क्या पता है किसको मिलेगा, इस बात की तो अल्लाह ही पता। अच्छा वोट कांग्रेस करेंगे? कांग्रेस। तो आप बताइए आप किसको वोट करेंगे? कांग्रेस की। कांग्रेस को? कांग्रेस। और आप किसको? अरे भाई कांग्रेस की करेंगे। और हमारे साथ नौजवान साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ ही हैं, क्या नाम है जी आपका? जफरुद्दीन। किसको वोट करेंगे इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को। ऐसा क्या है कांग्रेस में? कांग्रेस बीजेपी ने 10 साल में कहा करवाए हैं इसको टिकट मिलने? छोड़, मांडी खेड़ा में हॉस्पिटल बनी, वहाँ लाया चुटाला, आज तक वहाँ में छत भी गिर रही है। और लल्लड़न जो वो कांग्रेस ने बनवाई, आज तक एक रुपये ना लगाए बीजेपी ने, वो आगे छत गिर रही है। पता कुछ करो हो तो इनाम मम्मन कोई कोई भी आए, कांग्रेस सपोर्ट करूंगा। हाँ रोड 10 साल से अब इतिहास उगना लगो, तुमको भी लगाए हो तो बीजेपी के राज में सब काम होवे नहीं, पहले सारा कुछ होवे हो वाकई बीजेपी सामने भाई। बिल्कुल नाराज कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। हाँ आपको लगता है कांग्रेस सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी 100%। अच्छा हाँ बिल्कुल धो दिया। आप बताइए जी, सरकार कांग्रेस की आ रही है? अच्छा हाँ, मेरी मौजूदगी थी फिरोजपुर झिरका विधानसभा में, तो यहाँ पर बुजुर्ग साथी और नौजवान साथी थे, इन लोगों की एक ही राय है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिसको टिकट मिलेगा उसी को वोट करेंगे। और कुछ भाइयों की, कुछ बुजुर्गों की ये राय है, अगर कांग्रेस का टिकट मामन खान इंजीनियर को मिलता है तो मामन खान इंजीनियर को वोट करेंगे, अगर उसको टिकट मिलता है या नहीं मिलता फिर भी हम मामन खान इंजीनियर को वोट करेंगे। दोस्तों इस बने रहिए राइट इंडियन न्यूज के साथ, कैमरामैन साजिद पत्रकार के साथ।